वेलकम फ्रेंड टू असर एजुकेशन। बेसिकली आज इस वीडियो में हम ऋषि सांडिल्य का जो गोत्र है सांडिल्य गोत्र, उसके विषय में जानकारी देंगे। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, काफ़ी कुछ जानकारी मिलेगा। एक जो ट्रेडिशनल इंडिया है और वो ट्रेडिशनल इंडिया के हिस्ट्री को भी समझने का आपको मौका मिलेगा। सो टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो है वो ट्रेडिशंस को भी समझना जो है वो एक उस व्यक्ति का मॉरल और इथिकल नैतिकता की जिम्मेदारी हो जाता है दोस्तों, जो सोचते हैं कि हमें भारत के बॉल एंड बैरिंग बनना है। सो सांडिल्य गोत्र को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए सांडिल्य जो है वो एक सर्वश्रेष्ठ गोत्र माना जाता है, लेकिन सांडिल्य गोत्र इसलिए सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि सांडिल्य ऋषि, ये जो सांडिल्य गोत्र है दोस्तों, तो सांडिल्य गोत्र इसलिए सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि सांडिल्य गोत्र के ऊपर ही आपको सांडिल्य ऋषि के ऊपर ही सांडिल्य गोत्र बने हैं। क्योंकि जितने भी गोत्र का कंसेप्ट है भारत के वर्ण व्यवस्था सिस्टम्स के अंदर, जो आप गोत्र देखते हैं बेसिकली दे आर द फैमिली ट्री, वो फैमिली ट्री है। और फैमिली ट्री जो बायोलॉजी के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको कहा जाता है कि बहुत सारे जो है वो बीमारियाँ, बहुत सारी चीज़ और कंसेप्ट जो है जेनेटिक्स में पढ़ा जाता है। तो ये गोत्र जो है वो इंडियन एक फिलॉसफी है, एक साइंस है, इसके पीछे कोई अवधारणा नहीं है। गोत्र के पीछे बहुत बड़ा साइंस है। सांडिल्य ऋषि के वंशज हम उन्हें मान सकते हैं या अनुयायी, जिन्हें सांडिल्य गोत्र दिया गया था, वो ब्राह्मणों में होते हैं, खासकर ब्राह्मण में देखे जाते हैं ये गोत्र के लोग। अब प्रश्न आता है कि सांडिल्य ऋषि जो थे वो कौन से टाइम के थे? क्या वो एंशियंट इंडिया के भाग में थे, या तो फिर आपको मेडिवल में, या तो फिर मॉडर्न में, ठीक है, या फिर मॉडर्न इंडिया में? दोस्तों देखिए, ये मॉडर्न, मेडिवल और एंशियंट तो कंसेप्ट जो है वो वेस्टर्न कंसेप्ट है, या हम सब का आज कंसेप्ट बन चुका है, ये नया कंसेप्ट है। लेकिन जो इंडियन फिलॉसफी है उनमें युग होता है, एंड युग्स मीन्स व्हाट, जो इपोच जिसको कहा जाता है इंग्लिश में इपोच, तो ये इपोच होता है। और इपोच जो है वो आपको जिसमें द्वापर, त्रेता, कलयुग, सतयुग, ये सब है। तो द्वापर में भी सांडिल्य ऋषि का जो है उनके विषय में जानकारी मिलता है, कलयुग में के प्रारंभ में भी मिलता है, सतयुग में भी और त्रेता में भी। इट मीन्स क्या है कि ये नॉलेज इनके पास बहुत होता है, जबकि जो संत होते हैं, संत धर्मात्मा किस्म के व्यक्ति होते हैं, हो सकते हैं कि संत इट मे और मे नॉट ए नॉलेजफुल, ओके, नॉलेजफुल नहीं भी हो सकते, बट ऋषि जो हैं वो नॉलेज हैं उनके पास पूरी तरीके से उस समय में, जो साइंस को भी समझते थे, जो धर्म को भी समझते थे, जिनको वेद पुराण का पूर्ण रूप से जानकारी हुआ करता था, वो उन्हें ऋषि का टाइटल मिलता था। महाभारत के अनुशासन पर्व के अनुसार युधिष्ठिर की सभा में विद्वान ऋषियों में सांडिल्य का नाम भी आता है। ब्रह्मसार का जो प्रारंभ हुआ वह सतयुग था, तो सतयुग से ही सांडिल्य ऋषि और अन्य ब्राह्मणों का अस्तित्व जो है पृथ्वी पे कायम है, ये कंसेप्ट आपको मिलता है। अब सेकेंड स्लाइड पे चलते हैं हम सांडिल्य गोत्र को समझने के लिए। तो अतः मान्यता यह भी है दोस्तों कि सतयुग में वेद शास्त्र तथा शास्त्रों की शिक्षा ऋषि सांडिल्य तथा गर्ग ऋषि के आश्रम में ही प्रारंभ हुआ था। गर्ग हमने पहले ही बताया कि गर्ग, देखिए इस स्लाइड पे, सांडिल्य के साथ गौतम और गर्ग दो ऐसे मुनि ऋषि थे जो वो भी बहुत नॉलेजफुल थे, वो बहुत ही उनका नाम आता है, बहुत सारे वेद पुराणों में उनका नाम लिया जाता है, जो अत्यधिक ज्ञानी थे। तो ऋषि सांडिल्य और गर्ग ऋषि के आश्रम में ही सबसे पहली बार यह मान्यता है कि वेद शास्त्र का शिक्षा दिया गया और शुरू हुआ। सांडिल्य ऋषि त्रेता युग में राजा दिलीप के राजपुरोहित बने थे, और द्वापर में हम इन्हें नंद राज के अंदर जो है इनको पुजारी का काम करते हुए यह साक्ष्य मिलता है। साक्ष्य कहे तो एक हिस्टोरिकल कंटेंट मिलता है। और समय, एक समय में राजा त्रिशंकु, आप जानते हैं त्रिशंकु जो राम के, भगवान के जो है वो पूर्वज हुए, तो त्रिशंकु के पुजारी थे। और दूसरे समय में महाभारत के नायक जो भीष्म पितामह थे, तो उनके ब्राह्मण भ्राता परशुराम जी के साथ जो है वो वार्तालाप करते हुए उन्हें दिखाया गया था। इसी प्रकार से कई अन्य अन्य जगहों पे, अन्य अन्य स्रोतों से सांडिल्य ऋषि का महानता और प्रधानता हम लोगों को मिलता है। गोत्र सिस्टम जो है, गोत्र क्या है कि गोत्र का अवधारणा पूरी तरीके से साइंटिफिक है, और साइंटिफिक इसलिए है क्योंकि समय समय पे आपको उस गोत्र का महानता और प्रधानता बताया जाता है जो प्राचीन काल में किसी ऋषि या मुनियों के नाम से ही संबंधित था। बाद में समय बीतता गया और आज आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे एक आदर्श के
आदर्श मानने वाला है, क्योंकि गोत्र में कुछ पेड़ पौधों को भी माना जाता है जिनके पास जो ऋषि परंपरा से जुड़े नहीं हैं या भूल गए हैं, तो बाद में चल के बहुत प्राचीन काल में ही उनको किसी पेड़ या पौधे से आदर्श मानकर उनकी स्वभाव के आधार पर जो है उनके गोत्र को वर्गीकृत किया गया, ताकि साइंस का जो ये बायोलॉजिकल एक जेनेटिकल कंसेप्ट जो होता है कि जो सेम फैमिली में मैरिज या इस तरह की चीज़ नहीं होने चाहिए, उस चीज़ को ट्रुथ करने के लिए, सत्य बनाने के लिए। सो सांडिल महर्षि द्वारा असुरों राक्षसों से तपस्या के समय विघ्न उत्पन्न कर दिया करता था, और उसके बाद जो है सांडिल ऋषि क्रोध में आ गए और दैत्य राक्षसों को श्राप दे दिया कि जो भी उस जगह पे जाएगा ब्रजभूमि में वो पत्थर बन जाएगा। तो उसी नंद गांव की पहाड़ी पर दोस्तों गोकुल में राक्षसों की उत्पातों से तंग आकर बाबा नंद और भगवान श्री कृष्ण साथ आकर बस गए थे। ये महाभारत में इसका रेफरेंस हमको मिलता है। सांडिल्य गोत्र पांडे तिवारी मिश्रा वंश और कालांतर में शर्मा गोस्वामी उपनाम के सांडिल्य ऋषि के 12 पुत्र हुए और इन्हीं 12 पुत्रों के 12 गांव हुए, और उन्हीं गांवों के आसपास आपको सांडिल्य गोत्र के लोग मिलेंगे। यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सांडिल्य गोत्र कहाँ मिलते हैं, क्या हर जगह के ब्राह्मण के गोत्र जो हैं वो सांडिल्य होते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये 12 उनके सांडिल्य ऋषि के पुत्र 12 पुत्र हुए और उस अगल बगल के गांवों में उन्हीं से 12 गांव का उन लोगों के नाम पे 12 गांव पड़ा, और उन्हीं 12 गांवों में ये जो आप देख रहे हैं बलुआ हल्दी झुड़िया इन सब गांवों में लोनापार कटियारी लोनापार में जो है लोनाखार ओके कानापार छपरा ये सब शामिल है जो 12 लगभग 12 गांव हैं, और इन्हीं 12 गांव के आसपास के ब्राह्मण का गोत्र जो है सांडिल्य होता है। तो यह बात भी समझ में आ गया कि सांडिल्य गोत्र कहाँ के ब्राह्मण में पाए जाते हैं। इन्हीं 12 गांव से आज चारों तरफ इनका विकास हुआ। दोस्तों अब यहाँ पर आता है सरयू पारिन ब्राह्मण जो है वो प्राचीन काल में सरयू नदी के तट पर बसने वाले ब्राह्मणों को कहा गया है सरयू पारिन ब्राह्मण। ये सब घराने में बंटे हैं, अर्थात ये जो सांडिल्य गोत्र है कंप्लीट सांडिल्य गोत्र ये आपको घराने में बसते हुए हैं। घराने में जैसे कि आप देखिए यहाँ पे राम घराना, ये है कृष्ण घराना, नाथ घराना, विष्णु घराना, मणि घराना इत्यादि ये सब घराने हैं। तो सांडिल्य गोत्र के अंदर भी कौन से घराने के लोग होते हैं वो अलग पॉइंट होता है। इन चारों का उदय पिंडी देवरिया और जो है सोहगोड़ा इत्यादि जगहों पे पाए जाते हैं, और चारों का अस्तित्व कायम है। ये सभी गोत्र परंपरा से मध्यनंदिनी शाखा बाम शिखा शुक्ल यजुर्वेदी ब्राह्मण हैं। यजुर्वेद की अत्यंत ही ज्ञानी ऋषि परंपरा से इनका आगमन हुआ है, इसीलिए इनका जो है वो बहुत सारे घरानाओं में बटे हुए हैं। महर्षि सांडिल्य नामक आचार्य अन्य शास्त्रों में भी स्मृति हुई है, और हेमाद्री के लक्षण प्रकाश में सांडिल्य को यजुर्वेदाचार्य प्रवर्तक कहा गया है, अर्थात जो यजुर्वेद के अत्यधिक ज्ञानी हों उन्हीं को कहा जाता है, इनको जो है आयुर्वेदाचार्य अर्थात ऋषि सांडिल्य। यहाँ पे जो हमने देखा वो क्या था, यजुर्वेदी ब्राह्मण है, ठीक है यजुर्वेदी ब्राह्मण तो है, लेकिन यहाँ पे हमें मिलता है कि आयुर्वेदाचार्य के रूप में उनको प्रकाशित किया गया है, अर्थात वो आयुर्वेद के भी बहुत बड़े ज्ञानी थे। हमने पहले ही कहा कि ऋषि जो होते हैं वो ऋषि बहुत ही महान मतलब ज्ञानी होते हैं, ठीक है। संत और ऋषि में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, संत बहुत ही अत्यधिक धर्मात्मा होते हैं, और ऋषि अर्थात आज के पुरोहित के रूप में आप जान सकते हैं, जो एक पुरोहित जो बहुत ही अत्यधिक ज्ञानी हो। विभिन्न व्याख्या ग्रंथों से पता चलता है कि इनके नाम गृहसूत्र एवं स्मृति ग्रंथ भी था, और सांडिल्य की समाधि की यदि बात करें तो महाराष्ट्र राज्य के पुणे के नज़दीक चाकन शहर है, चाकन में आप जाएंगे पुणे से ही सटा हुआ जगह है, ठीक है बहुत पुणे के अंदर ही है चाकन, तो चाकन में चाकेश्वर मंदिर के पास जो है इनका सांडिल्य ऋषि का चाकन में चाकेश्वर मंदिर के पास जो है उनका आज भी समाधि है। प्राचीन काल में राम काल अर्थात जो है भगवान राम के काल में माना जाता है यह वो जो चाकन में इनका समाधि है वहाँ पे बहुत ही चाकेश्वर मंदिर भी बहुत भव्य हुआ करता था, और इनका सांडिल्य ऋषि का बहुत बड़ा भव्य स्मारक हुआ करता था। तो यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट है या शायद वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है। आई होप सो कि आपको ये वीडियो जानकर काफ़ी इम्पोर्टेंट लगा होगा। तो यदि ये वीडियो जानकर आपको इम्पोर्टेंट लगा, कुछ जानकारी मिला, तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड सी यू सून।